diagnosis and treatment options for monkeypox? The diagnosis of monkeypox requires a high degree of suspicion. यानी कि जब भी आपको फीवर होता है, खुद से ट्रीट मत कीजिए, अपने आप को talk to your doctor, visit your doctor, or maybe have an online consultation with the doctor to discuss your symptoms. Because if the doctor is suspicious, then he or she will kind of advise further tests for monkeypox. And based on your history and your contact history or your travel history, the doctor is going to prescribe some routine tests as well as specific test viral markers for monkeypox. But as of now, private laboratories are not conducting these tests. If the doctor is highly suspicious that you have or somebody has a monkeypox kind of a rash, he will refer it to the nodal centers, which are the government managed setups, right? Monkeypox treatment per se is a monkeypox is a, actually a self-limiting disease. यानी कि इसका मतलब ये है कि कुछ दिन में कुछ हफ्तों में ये बीमारी खुद से ही ठीक हो जाती है अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है. रैश अपने आप ही धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा. आपको जो ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी फीवर को मैनेज करने के लिए, डिहाइड्रेशन को मैनेज करने के लिए, कोई सुपर इम्पोज्ड अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके लिए एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ेगी, या अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस आपके सिम्टम्स हैं तो आपको एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है. बट इन जनरल रूटीन में मंकी पॉक्स डिजीज इज ए सेल्फ लिमिटिंग डिजीज, यानी कि ये 2 से 3 हफ्ते में खुद ही ठीक हो जाती है. Have vaccines for monkeypox been developed and are they available? See, monkeypox virus belongs to smallpox virus family. And smallpox vaccination was stopped all over the world in 1979. तो जो लोग उससे पहले पैदा हुए हैं उनको अगर smallpox का वैक्सीन लगा है तो उनको monkeypox contact होने के चांसेस काफ़ी कम है या ना के बराबर है. बट अभी करंटली 2 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं monkeypox के लिए, एक यूरोपियन यूनियन में है और एक USA में है. इंडिया में अभी फिलहाल कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट फेज में है. लेकिन वैक्सीन आने के बाद भी सबको लगाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हाई रिस्क जो कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, लेबॉरेटरी पर्सनल हैं, या पीपल वर्किंग इन फील्ड, यू नो, सो उन लोगों को शायद वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ेगी. बट अदरवाइज जो है सबको शायद ज़रूरत ना पड़े. उसका मेन कारण ये है कि मंकी पॉक्स डिजीज़ का जो सेकेंडरी अटैक रेट है वो काफ़ी कम है. सेकेंडरी अटैक रेट का मतलब होता है कि एक इंसान कितने लोगों को आगे वो बीमारी दे सकता है. तो मंकी पॉक्स का जो रिकॉग्नाइज्ड सेकेंडरी अटैक रेट है वो 7% के करीब है. यानी कि हर 100 में से सिर्फ 7 ही लोग आगे पास कर पाएंगे, 93% लोग नहीं पास कर पाएंगे. इसलिए वैक्सीन की ज़रूरत शायद सबको ना पड़े.